रक्षाबंधन त्यौहार के दूसरे दिन यानी कि 31 अगस्त को ऑटो रिक्शा चालक कुछ तो खुश दिखे, जबकि कुछ ने कहा कि ज़्यादा सवारी नहीं मिली। रोज की तरह ही सवारियां ऑटो और रिक्शा में दिखाई दी। 31 तारीख के रक्षाबंधन के दिन यानी कि दूसरे दिन क्या पोजीशन रही, ऑटो वालों को सवारियाँ मिली या नहीं, इस पर हम जायज़ा ले रहे हैं। हम बात करते हैं ऑटो वालों से कि क्या स्थिति रही है, क्योंकि दो दिन के त्यौहार के चक्कर में सवारियों का काफ़ी टोटा रहा है, क्या पोजीशन है सवारियों की? सवारियां तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो सुबह के समय की क्या पोजीशन थी? सुबह वही क्या है कि सुबह 6:30 बजे आए और 8 बजे तक कुल 40 रुपये कमाए बस। भीड़ तो वैसे थोड़ी बहुत दिख रही है ना? भीड़ दिख रही है पर वो धंधे पानी नहीं है जो पहले था। अच्छा, हाँ। और कल का कैसा रहा? कल का भी थोड़ा ऐसा ही था, पर कल का थोड़ा सही था, आज का इतना सही नहीं है। कल का सही निकल गया, आज का उससे ज़्यादा खराब हो गया। बिल्कुल। तो ये बता रहे हैं कि देखिए रोड पर आप देख रहे हैं, समय दोपहर का समय आप देख रहे हैं और सुबह के समय भी यही हालात थे, बता रहे हैं यहाँ पर लोग कि सवारियाँ ज़्यादा नहीं रही है, क्योंकि कल कुछ लोगों ने मना लिया तो कुछ लोग आज मना रहे हैं, यानी कि 31 तारीख को मना रहे हैं। एक दो ऑटो वाले और हम उनसे बात कर लेते हैं। आप ऑटो चलाते हैं? क्या नाम है आपका? शशी शर्मा। क्या पोजिशन है सवारी की 31 तारीख को? सवारी बहुत कम है, ना के बराबर सवारी है। सुबह क्या पोजिशन थी? सुबह 10 बजे अगर 8 बजे की बात करें तो लगभग अगर 7 बजे तक की थी राखी, अगर थे तो आज परवाह को मान रहे थे लोग, अगर थे कल कह रहे थे मैं हम 9 बजे यहाँ तक करेंगे, तो इसलिए थोड़ा फर्क पड़ सकता है, या जो मजूरी वजूरी है इनके फर्क पड़ गया है। दो दिन के त्यौहार से फर्क पड़ा क्या? हाँ, दो दिन के त्यौहार भी हो जाते हैं ना, उसमें भी दिक्कत आती है, पब्लिक आधी उधर लेकर जाती है, आधी उधर लेकर जाती है। आज कोई मान रहा है परवाह है तो कल सवारी। अच्छा, आज क्या है? आज परवाह मान रहे थे लोग, अगर तो कल ज़्यादा सवारी निकली थी या आज निकली? नहीं, कल की तो मैं स्कूल में रहता हूँ, अगर आपको मालूम अगर तो मैं करता नहीं हूँ। आज मैं सुबह 8 बजे लेकर के आया, मैंने 200-300 रुपये कमा पाया हूँ। एक मिनट, कल सवारी ज़्यादा निकली थी आज ज़्यादा निकली? भाई आज सही निकल रही है, कल कम निकली थी। कल कम निकली थी। सुबह क्या पोजीशन थी यहाँ पर? सवारियाँ थी जिस तरह अभी दिख रहा है, ऐसा ही है? ऐसा ही रहा है सुबह से, मतलब गिने चुने कुछ लोग आज आ रहे जा रहे हैं। हाँ, आते जा रहे। अच्छा, ये क्यों ऐसा हुआ, दो दिन के त्यौहार की वजह से या एक क्या मालूम है? ये तो पंडित जी लोग जाने, दो दिन का त्यौहार कर दिया, दो दिन का त्यौहार है उसकी वजह से। ऑटो चलाते हो आप? अच्छा जी, क्या नाम आपका? गोपाल नाम है मेरा। क्या सवारी क्या पोजीशन रही 31 तारीख? सवारी क्या पोजीशन रही? उसकी जैसी निकलती है वैसी निकल रही है, कोई दिक्कत वो नहीं है। त्यौहार नहीं लगा? त्यौहार है ही नहीं है, कौन कहाँ त्यौहार है ही नहीं है बिल्कुल। ऐसा क्यों? दो दिन के त्यौहार की वजह से ऐसा हुआ है। कल ज़्यादा थी आज? आज कल भी इतना ही था, आज भी इतना ही है। तो आपने देखा ये ऑटो रिक्शा वाले हैं जिस समय स्टैंड पर, इनके ऑटो खाली हैं, कुछ में सवारियां हैं, लेकिन जिस हिसाब से सवारियां होनी चाहिए उस हिसाब से सवारी इनको नहीं मिल रही है। इनका कहना है कि दो दिन के त्यौहार होने की वजह से सवारियां बट गई, कोई इधर चला गया कोई उधर चला गया, और दो दिन का त्यौहार नहीं होता, एक दिन का होता तो सवारियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती। बहरहाल जिस तरह से आम सवारियां यहां पर निकलती हैं उसी तरह से ये सवारियां निकल रही हैं यहां पर। कैमरा पर्सन मनोज के साथ विनोद जूनियर, सीनियर आगरा।